ठीक है ठीक करना क्या है, इवन नंबर ये सभी नंबर जो क्या है दो से डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो सभी संख्या है जो दो से डिवाइड होते हैं उनको हम बोल देते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें इवन नंबर आपके पॉजिटिव नंबर भी होंगे एंड नेगेटिव नंबर भी उसी में कंसिडर करेंगे, ठीक है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव बोथ क्या है कि आपको इवन नंबर में उसको इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि -4 -2 -8 और सो ऑन। जो जीरो वाला केस है, जो जीरो वाला केस है, जीरो ऐसा नंबर है जो उसको ना तो क्या कहते हैं जो कि ना तो इवन है ना तो ऑड है, बट अगर कंसिडर करना हो तो हम उसको जीरो में नॉर्मली कंसिडर कर लिया करना, ठीक है, हेल्प करता है बेसिकली ये, बाकी ये बेसिकली ना तो इवन नंबर है ना तो ऑड नंबर। नेक्स्ट, अगर हमको इसे एक फॉर्म के एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, इसे हम अगर हम सर एक जीरो को, हाँ बोलो, सर जीरो को इवन में कंसीडर करेंगे। हाँ इवन में कंसीडर करोगे, ऑड में कंसीडर नहीं करोगे। ओके सर, अगर सपोज करो कि आपको सम संख्या को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 2n के फॉर्म में लिखोगे, जहां पे n क्या है एक नेचुरल नंबर है, जहां पे n क्या है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, 2n के फॉर्म में। जैसे सपोज करो अगर आपका n क्या हो 1 हो तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, तो क्या है एक इवन नंबर। अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे, सॉरी, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर ऐसे ही क्या है कि अगर आप n की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखते हो तो अगर मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज एक सम संख्या मिलेगी, ठीक है। तो कई बार इसकी यूज हमें पड़ जाती है ना, कुछ लंबे लंबे जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं उस चीज में। नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, ये तो सेम वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जैसे कि अगर आप क्या है दो दो इवन नंबर को क्या है सम करो या सबट्रैक्ट करो, ऑलवेज कैसा मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। जैसे 24 + 16 करोगे तो 40 मिलेगा, और 56 - 10 करो तो 46 मिलेगा, तो ये दोनों ही क्या है इवन नंबर है, ठीक है, तो ऑलवेज ऐसा रहेगा, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं आएगा। सेकंड, अगर आप एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को प्लस करो या माइनस करो तो ऑलवेज क्या है आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, जैसे कि 2 + 3 5 होता है एंड 14 - 9 = ओके यहाँ पे 5 होता है, ठीक। अगर आप एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑलवेज कैसा मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 18 × 44 होता है, कोई भी दूसरा ले लो, छोटा टॉय भी ले सकते हो, 3 × 2 = 6 होता है, ठीक है, 8 × 2 = 16 होता है। नेक्स्ट, अगर आप एक सम संख्या को एक विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, तब भी आपको एक सम संख्या मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपको करना पड़ेगा कि अगर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑलवेज कैसा मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 4 × 3 कितना आएगा, 12 आएगा। ये बेसिक है कुछ बातें जो आपको थोड़े बहुत क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, बट पर्टिकुलर ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, एग्जाम ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई सम करोगे तो क्या करेगा। हाँ, लेकिन आपसे मैं पूछूं कि अगर मैं एक सम संख्या को एक सम संख्या से डिवाइड करूं, सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आप इवन नंबर को एक इवन नंबर से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, कोई कुछ बता सकता है, क्या सर? एक इवन नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा। हमेशा वो मिला सर, क्या मिलेगा, हाँ बोलो, ऑड इवन हमेशा सर, और ये बिल्कुल, कोई कंफर्म नहीं है, ऑड भी मिलता है इवन भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको या तो ऑड भी मिल सकता है या फिर इवन भी मिल सकता है, चाहो तो एग्जाम्पल्स ले लो। सपोज करो आप 6 / 2 कर लो, क्या मिलेगा, 3, और चाहो तो 8 / 2 कर लो, फोर भी मिलेगा डिवाइडेड बाय 4। टू, तो ये आपका क्या या हो गया, आपका ऑड यस नंबर हो गया और ये आपका इवन नंबर हो गया, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इवेन मतलब यहाँ पर दोनों ही मिलेगा। अगर मैं उल्टा कर दूँ, सपोज करो इवन को मैं ऑड से डिवाइड करूँ, दैट बी ठीक, कॉल्ड बिन कुछ पेड़ी का लोटा तब क्या मिलेगा, तब क्या मिलेगा, किसका सर? अगर आप इवन नंबर को ऑड नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या तो नंबर मिलेगा ही नहीं, ये पॉइंट में आएगा ऑलवेज, है, 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो नहीं पॉइंट मिलेगा, में पॉइंट में आएगा, क्या मिलेगा सर ऐसा। मिलेगा, 4 मिलेगा, क्या मिल गया, हाँ जी हाँ इवन मिल गया,
और वही अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड कर दूं तो, वैसे सॉरी ये इवन नंबर नहीं है, भाई और ऑड नंबर 18 को कर लूं तो तभी वही मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। छह कोई ऐसा जी, बताओ जिससे आपको क्या है कि ऑड मिल जाए, क्या पॉसिबल है? ऑड मिल जाए। हाँ, क्या ये पॉसिबल है कि क्या हमेशा यहाँ पे हाँ इवन सर, मिलेगा, क्या यहाँ पे हमेशा इवन मिलेगा, ये पूछ रहा हूँ बस, बताओ। वन वन तो नहीं है ना सर? ऊपर इवन होना चाहिए और नीचे क्या है, ऑड नंबर वन नहीं है क्या? सर हाँ लेकिन वन और तो वन को से डिवाइड करेंगे। ऐसा करोगे तो बहुत उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है, बाकी ऊपर नीचे भी सब बिगड़ने नहीं लगेगा। तभी सर इवेन ही आएगा, तभी नहीं आएगा, हाँ तभी इवेन ही आएगा। जो भी है, जरा सोचो कि क्या ऐसा इवेन पॉसिबल। बाई वन करेंगे तो इवेन ही आएगा। हाँ तो हमेशा इवेन आ रहा है क्या? ऑलवेज जी सर ऑलवेज आ रहा है। अच्छा जी ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज आपको इवन ही मिलेगा, कंफर्म हो सब लोग? ठीक है, जी अगर यस हुआ तो थोड़ा वेरीफाई कर लेना और मुझे कल बताना कि क्या ये हमेशा वैलिड ओके सर है कि नहीं। अगर हमेशा वैलिड होगा तो मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर चलो आगे बढ़ते ओके हैं। सर अब बात करते हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज करो दो संख्याओं के बीच में अगर आपको फाइंड करना है कि यार कितनी कितने जो नंबर हैं इवन नंबर होंगे, ठीक है, तो सेम वही है, बस यहाँ पर भी वही फर्स्ट स्टेप वही करना है, बट यहाँ पर घटाने वाला जो केस है, मैं फाइनल सॉरी मैं यहाँ पे बस फाइनल वाला बता देता हूँ। सपोज करो जैसे कि बिटवीन वाला केस है, बिटवीन वाले केस में क्या करना है आपको, एक घटाना होता है, ठीक है, कब, जब दोनों में से एक भी संख्या सम हो जाए, ठीक है, दोनों में से एक भी संख्या सम हो तो आप क्या करोगे, ऑलवेज एक घटा दोगे। सपोज करो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, सपोज मैं बोलता हूँ 76 टू, सपोज करो 75 एंड 125 के बीच में आपसे पूछ रहा है कि बताओ मुझे टोटल कितने नंबर ऑफ इवन नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो बेसिकली आप करोगे क्या, 125 माइनस 75 तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, दोनों में से एक भी सम है, ठीक है, क्या ये सम है, नहीं, ये भी सम है, नहीं, कोई भी सम नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें 75 to 125 कितने नंबर होंगे, टोटल 25 होंगे, ठीक है, 25 आपके कितने क्या हो नंबर होंगे आपके, इवन नंबर होंगे, ठीक है। हाँ जी ठीक है सर और वही सेम वाला केस आ जाए तो क्या करना है आपको, दोनों में से अगर एक भी रेडिशन संख्या, करना है प्लस टू हाँ प्लस वन आपको करना है, दोनों में से एक भी संख्या अगर सम है तो एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो एक दोनों ये चीज लिख ठीक है लेना सर क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही कंडीशन याद रख लेना, ठीक है, मैं आपको कुछ मिनट दूंगा, 1 मिनट दूंगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 1 मिनट नहीं, आप एक एक करके बताते जाना तो क्या है, मैं आंसर देते जाऊंगा, बस ये कंडीशन लिख लेना, ठीक है, कि कब जोड़ना है कब घटाना है। ठीक है, चलो अगर लिख लिए हो कब जोड़ना है, इसमें देखो तो दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम चल रहा है, ठीक है, दोनों में सेम है, एक भी सम, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। जी चलो पहले का आंसर बताओ, जैसे ये तो कल वाला है ना नहीं कल वाला नहीं है, कल क्या, वाला नहीं है, मैं इसको कर लिया हूं ठीक है, बाकी सबको करने दो, जल्दी से अपना आंसर बताओ, पहले का, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ पचास कितना आएगा, 50, 50 ठीक है, जी सेकंड वाले का, ठीक 44 है, और किसी के, ठीक है, सेकंड वाले का क्या अभी तक, सर 44 कितना आ रहा है, 44 या 45 क्या आ रहा है, 44 44 एक घटा दोगे, ठीक है, 44 हाँ ठीक, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट 40 40 आएगा, ठीक या है, अकॉर्डिंग टू मी सही
कंसीडर कर लिए तुम्हारा। ठीक नीलम आपका नहीं आ रहा? क्या हुआ? सर मैं घर में हूँ। मैं सर जब बाहर हूँ। बाहर से आप सर क्लास मैं अभी अटेंड कर? घर से बाहर हूँ। ठीक है ठीक है हाँ सर, तो क्या मोबाइल है दो। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेडिकेशन ऑफ स्टडी अपना। डेडिकेशन कितना चालीस आएगा? 40। बहुत टाइम लग रहा है, घटाने में इतना टाइम लग रहा है जी। क्या प्रदीप? इतना घटाने में टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी आंसर नहीं बताओ यार। नहीं सर, ये रोड साइड है ठीक है जल्दी करो, इतना धीरे कौन सर। घटा रहे? 50 50। 50 आएगा? ठीक है 50 नेक्स्ट। जी, या 91, 91, 91। ठीक है ठीक 78, 91 कहाँ गया इसका? सेवेंटी किसका 91? एट अच्छा अच्छा हाँ नेक्स्ट। 18 से 198 का 91। इससे 191। ठीक है सही आ गया। आशीष तुम्हारा भी आ रहा है? ठीक राइट हाँ जो है आगे बढ़ो आगे उन्नीस से बढ़ो। 592 का 250 कितना रहा है? 280। ठीक 285 ठीक जी, 339 जी, 39। 169, 179 139। 189 कौन सा वाला आ रहा है? किस 179 सबसे लास्ट क्लास वाला, सबसे लास्ट वाला। वाला? ठीक है समझ आ गया ना? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो ऐसे हमको यूज करना रहेगा। ठीक है ये चीजें यूज करनी रहेंगी। ठीक अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है बेसिकली क्या होता है, वो सभी नंबर है ना, वो सभी नंबर जिसके दो से ज्यादा, ठीक है दो से ज्यादा क्या हो फैक्टर्स, ठीक है दो से ज्यादा गुणनखंड हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है जैसे अगर हम बोलें कि सपोज फोर, फोर को डिवाइड करने वाली कौन कौन संख्याएं हैं? 1 है, ठीक है 2 है एंड 4 है। दो से ज्यादा है तो ये आपका कैसा नंबर होगा? ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 9, 9 को डिवाइड करने वाले 1, 3, 9। ठीक है ऐसे कुछ भी ले लो, कोई भी ऐसे नंबर जो क्या कहते हैं कि जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं, जिनको दो से अधिक संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। बात क्लियर है? कंपोजिट ठीक है या एक बात समझना दो। वन हाँ यहाँ पे जो 1 है, ठीक है वन प्राइम नंबर है। नहीं 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है वे सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है क्योंकि उन्हें दो से होता है, ये तो ठीक है एग्जाम्पल। ठीक है बात समझना। ठीक है जो आपका 1 है, ठीक है वो आपका 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं, सॉरी ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। ठीक है ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है ये कंपोजिट नहीं है। ठीक है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? मैं बताऊं, फोर हाँ दो फोर 4। ठीक है फोर 4। ठीक है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या? विषम भाज फाइव। नहीं, वो बिट 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 सर नहीं दो है सर, दो है सर। नहीं 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 दो दो नहीं नहीं है है सर, सर। दो नहीं है, दो 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 प्राइम नंबर है और एक नहीं है। भाई तुम क्या कर रहे हो, नाम कटवा दोगे मेरा? थ्री सिक्स है, थ्री सिक्स 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 है विषम सिक्स ऑड नंबर है। ना सर। हाँ नाइन 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 है, नाइन 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 जी सर, जो ना भाज्य है ना अभाज्य है। अनएक्सपेक्टेड आंसर आ रहा है सर। अच्छा तुम एक्सपेक्ट इतना कर रहे थे क्या कि 7 में पहुंच जाएंगे? मैं जरा से इतना कोई नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 9 तक पहुंच जाएंगे सर। दिक्कत नहीं, जरा ये बताओ वह संख्या जो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो मैंने एक तो बता ही दिया, एक तो आ ही जाएगा, वन ठीक है वन 1 भी आ जाएगा एंड आपका हाँ 0 एंड 1 दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं, दोनों ही क्या है। ठीक जीरो है 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं, 75
75 चौहत्तर कितना कितना कितना? चौहत्तर 77 चौहत्तर74 चौहत्तर 74 सही है। ठीक जी है 74 ये सही है। आपको ये सर। बात हाँ सर, सर आपको ये पच्चीस, वो बात 25 था तो एक माइनस कर दिया हाँ बिल्कुल उस तरीके से निकालना पड़ेगा जी। निकालना नहीं पड़ेगा आपको, ये सब याद होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट कैसे प्रॉपर्टीज। सर? एक मिनट, वेट 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 हाँ सर, हाँ 99 ये हो जाएगा आपका, ओके 90 क्या लिया, 44 क्या कर रहे हो तुम? ये आप लिखे क्या है? 74 क्यों लिखे हैं? 116 कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? 117 टोटल। 100 तक। हाँ हाँ 117 टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है हाँ बस ये कितना हाँ 75, 75 में जो एक है वो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। ठीक है ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो 25 26 नंबर निकल गया, कितना बचा? 74 बचा। 74 क्या होंगे, 74 क्या होंगे टोटल आपके कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक ओके सब भूल गया तुम्हें। चलो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, सम्मिश्र संख्याएं उनके गुणनखंडों के समान रूप से विभाज्य होती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आर इवनली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स। ठीक है मतलब क्या है, कि जितने भी इसके वो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर वो आप क्या कहते हैं, तो उसके पीछे बात भागना। ठीक है रियल नंबर है इमेजिनरी नंबर के पीछे, बेसिकली बोल रहा है कॉम्प्लेक्स मीन्स कंपोजिट नंबर की यहाँ पे बात करना चाह रहा है। ठीक है यहाँ पे कंपोजिट नंबर ज्यादा सही टर्म रहेगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अपने फैक्टर से ठीक है टोटली डिविजिबल रहता है। ठीक है इवनली डिविजिबल बाई ठीक है ऑल दियर फैक्टर्स। जैसे मैं बोलता हूँ भाई 36, 36 से फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है 2 है ठीक है 3 है 4 है, तो 36 क्या है इन सब से बराबर रूप से डिवाइड रहेंगे, मतलब कंप्लीटली डिवाइड रहेगा, ऐसा नहीं कोई डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है थोड़ा अजीब सा है जी और खास नहीं है। जी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर विल हैव एटलीस्ट वन प्राइम नंबर एज इट्स फैक्टर। ठीक है क्या बोल रहा है, कि आप चाहे जितने भी कंपोजिट नंबर ले लो, चाहे उसका पूरा का पूरा आप फैक्टराइजेशन कर दो, उसमें एटलीस्ट कम से कम वन एक मतलब एक तो जरूर उसमें प्राइम नंबर होगा। ठीक है उसके फैक्टर्स, जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, सपोज करो आप 50 ले लो। ठीक है 50 को डिवाइड करने वाले कौन से, 1 है 2 है ठीक है 5 है 10 है ठीक है और क्या आ जाएगा 25 है, और भी है नहीं। ठीक नहीं तो देखो इसमें प्राइम नंबर ये भी है, प्राइम नंबर ये भी है। ठीक है तो कम से कम एक तो फिफ्टी वन मिलेगा फिफ्टी क्या, वन फिफ्टी 51 में 51 में, 51 हाँ, किससे तीन डिवाइड होगा, सत्रह एक से डिवाइड होगा, तीन तीन से सत्रह डिवाइड का होगा, हाँ 17 डिवाइड होगा सत्रह और 51 होगा, तो 3 भी है प्राइम नंबर और 17 भी है प्राइम नंबर। ठीक है तो तुम चाहे किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एक्सपेंड करो उसे फैक्टर्स में सेवेंटी लिखो, वन में 71 खुद ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है आपको कंपोजिट नंबर लिखना, यहाँ पे कंपोजिट नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी देखते हैं क्या लिखा है। मिश्रित संख्या अन्य भाज्य संख्याओं से विभाज्य होती है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर अदर कंपोजिट नंबर से डिवाइड होगी, ये एक सिंपल सी बात है। जैसे सपोज जैसे अभी हमने खुद ही देखा, जैसे 50 नहीं जैसे 50 हमने लिखा था। ठीक है अब 50 है तो हमने 1 2 5 तो लिखा था, साथ में 10 लिखा था, 10 क्या है खुद भी एक कंपोजिट नंबर है और ये भी एक कंपोजिट नंबर है, तो वही बोल रहा है कि एक अन्य भाज्य संख्या दूसरे कैसे भाज्य संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है अब बात करते हैं सहभाज संख्या को प्राइम नंबर, उसमें उतना काफी है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, ना ही मुझे लगता है उसमें कुछ भी ऐसी लिखने वाली बातें हैं, बस हो गया कल की उनकी जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है को प्राइम नंबर। ठीक है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप पढ़ोगे थोड़ा सा आपको एडवांस रूप में ये काफी हेल्प करेगा। पहली बात समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक तो यहाँ पर सेट ऑफ नंबर होंगे, दो नंबर होंगे कम से कम। ठीक है एक नंबर से काम नहीं चलेगा, दो नंबर चाहिए होंगे। ठीक है एक सेट ऑफ नंबर होते हैं जो चाहे प्राइम नंबर हो चाहे ना हो, ठीक है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि उन दोनों का जो एस सी एफ होता है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है एस सी एफ वन होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, ज्यादातर क्या है चीजें एग्जाम्पल से समझ में आती है। जैसे क्या बोलता हूँ, सपोज करो नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सपोज कि मैं 15 ले लेता हूँ। ठीक है
और 28 ले लेता हूँ, ठीक है, 15 और 28, ठीक है। मुझे बताओ 15 के फैक्टर्स बताओ, 15 को अगर मैं फैक्टर्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 5 थ्री लिखूंगा, अगर फाइव 3 छूट गया, 3 थ्री लिखूंगा, 5 लिखूंगा और 15 लिखूंगा, ये इसके फैक्टर्स आएंगे। इसके अगर फैक्टर्स लिखो तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, ठीक है, वन फोर सेवन 4, 7 लिखूंगा, 14 सात लिखूंगा और 28 लिखूंगा, ठीक है। ये सभी फैक्टर हैं, जी इन दोनों में, इन दोनों के फैक्टराइजेशन जो हमने किया है या इनके जो फैक्टर्स लिखे, क्या कोई भी कॉमन है वन के अलावा, इसके अलावा कोई भी कॉमन है क्या? नहीं नहीं है ना, तो नहीं नहीं ये दोनों कैसे कहलाएंगे, कंपोजिट सॉरी को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, बात क्लियर है? क्लियर ठीक है, समझ में आ गया, को प्राइम नंबर कैसे, क्या कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, क्लियर है ना यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर जी आपको ऐसे सर। आपको ये बस सोचना है कि क्या कोई एक संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी। अगर आप ये सोच लेते हो जल्दी से तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। सपोज करो मैं एक नंबर देता हूँ, सपोज करो मैं ऐसे लेता हूँ कि ले लो, मान लो कि 57 एंड 67, ठीक है, क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ, हाँ सभी लोग बोल रहे हो हाँ, जी सर। ठीक है। भाई ये देखो, ये 57 है, 57 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 19 57 होता है, 19 हो जाएगा और खुद 1 57 हो जाएगा, ठीक है, नहीं एक और हो जाएगा, नहीं एक और होगा, नहीं और नहीं होगा, ये सभी नंबर है, इसका क्या होगा? ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो क्या ही होगा, है ना? तो आपका क्या आ गया, ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर, ठीक, क्लियर है? अच्छा चलो, ये बात समझ में आ चुका है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सब असंख्या अपेक्षाकृत अभाज्य या पारस्परिक रूप से अभाज्य संख्या के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पारस्परिक रूप से, मतलब म्यूचुअली प्राइम नंबर को बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअली प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर को बोल सकते हैं, ठीक है। रिलेटिवली मतलब एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर हो सकते हैं, बट वैसे ये प्राइम नंबर में नहीं आना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हम बात जरूर करेंगे इसमें, जैसे कि सबसे यह क्या है, सबसे अभाज्य बनाने के लिए दो संख्याएं होनी चाहिए, क्या लिखा है कि जब भी आपको सहअभाज्य बनाना हो तो दो संख्याएं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। जैसे यह सब हमने देख लिया, ठीक है, ये सब हमने देख लिया, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखा जाए इसकी प्रॉपर्टीज में, ठीक, तो क्या है, अगर एक के साथ कुछ भी बनाओगे तो वो हमेशा सहअभाज्य संख्या बनेगी, चाहे एक के साथ आप कोई भी ले लो, एक के साथ तुम 4 ले लो, एक के साथ तुम 5 ले लो, चाहे जो लेना ले लो, वो ऑलवेज को प्राइम नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है, उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा काफी बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ध्यान समझते हैं, लिखा है कोई भी दो अभाज्य संख्या है, ठीक है, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ दो अभाज्य समझ संख्या, गया, मतलब कि 7 एंड 11, ठीक है, जैसे कि प्राइम इलेवन नंबर। एंड 13, मतलब ऑलवेज अगर दो प्राइम नंबर ले लोगे तो ऑलवेज क्या होंगी, को प्राइम में ही आएंगी, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा सेकंड थॉट वाली बात ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोई भी दो क्रमागत, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर जो होंगी, ठीक है, वो ऑलवेज किस में आएंगे, सहअभाज्य संख्या होंगी। कोई भी दो क्रमागत, मतलब मैं बोल देता हूँ सपोज करो 24 एंड 25, ठीक है, और कोई बोल दे चाहे तो प्राइम 99 और 100, ठीक है, को प्राइम, है ना, 72 73, ये सभी क्या है, सभी के सभी क्या है होंगी, ये आपकी इसमें आएंगी, ठीक है, क्या कहते हैं, को प्राइम को नंबर प्राइम में, ठीक है। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा चीजों को फाइंड करने में, कई बार आप ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि किन्हीं भी दो सहअभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का योग उनके उत्पाद के साथ सहअभाज्य, मैं चलो उसको स्टेटमेंट सीधे बताता हूँ ना, एग्जाम्पल समझाता हूँ ये थोड़ा सा। पहले दो सहअभाज्य ले लो, जैसे कि मैं बोलता हूँ 4 और 9, ठीक है, मैंने दो क्या है, एक चार को पांच कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, मैं सहअभाज्य लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ऐसा रहे जो कंपोजिट में रहे, ठीक है, इनका जरा प्लस कर दो, कितना आएगा, 13, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 36। छत्तीस तो जी 13 और 36 ये भी क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा जी ऑलवेज, बात क्लियर है?
ठीक है, मतलब कि आपने दो कोई आपने कोई को प्राइम नंबर लिया और उनका सम किया जो आपको मिला और उनका मल्टीप्लाई किया और एक नंबर मिला, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, ऑलवेज क्या आएंगी, को प्राइम नंबर ही होंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, कई बार आपकी हेल्प करेगा स्टेटमेंट वाइज से क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है, नहीं तो ज्यादा आपको हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, दो सम संख्याएं कभी भी सहवास युग्म नहीं बना सकते। भाई कभी भी दो इवन नंबर, ठीक है, वो आपका कोर प्राइम नंबर नहीं बना सकते। ठीक है, ये कभी भी को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोई भी दो संख्याओं का अगर इकाई अंक 0 और 5 है तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कि 10 और 100 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 10 और 15 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि वो ऐसा को प्राइम नंबर बना सकते। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर, जो मैंने बताया वही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं ज्यादा से बोलूँगा अगर प्रॉपर्टी की बात करूँ, ठीक है, तो ज्यादातर आपको फोकस इस बात पे रखना, बाकी सब तो चलो क्लियर ही है, क्या दिक्कत नहीं होता, थोड़ा सा आपको इस बात पे फोकस रखना है, रेस्ट बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं। अब बात करते हैं, ठीक है, लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, लोकल वैल्यू क्या होता है, लोकल वैल्यू क्या होता है यार, आपने जितने भी जैसे कोई नंबर पढ़े हो, है ना, कोई भी नंबर पढ़े हो, जैसे मैं नंबर लेता हूँ 7 8 9 4 2 5, ठीक है, लोकल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू या फिर जाति मान जो भी बोलना है। ठीक है, तो एक बात समझना कि यहाँ पर कोई भी जाति मान अपना मान होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो। मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ, सपोज करो इस संख्या में मुझे 4 का जाति मान बता दो, ठीक है, तो फोर का फोर ही क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। हो ठीक है, तो जी। जाति मान बहुत सिंपल ठीक चीज है, मतलब जाति मान कभी चेंज नहीं होने वाला। मैं अगर बोलता हूँ एट आज पॉइंट सेवन सिक्स टू सेवन फाइव क्या लिखता हूँ, 8 में, एट नहीं, 2 बार हो गया, 9 में, ठीक है, 9 का जातिमान बता दो, तो भी क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है, नाइन तो जातियां क्या है, कभी जी चेंज नहीं होती। भाई अगर आपका सपोज करो कि आप यहाँ पे आपका जो भी जाति है, अगर आप दिल्ली चले जाओ या फिर क्या कहते हैं कि कोलकाता चले जाओ या दूसरे देश चले जाओ, कभी चेंज नहीं होने वाला। तो सिमिलर यहाँ पर भी है, आप इसको आफ्टर कहीं पहुंचे मैरिज इसको आप कहीं पहुंचा दो, कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो जाति मान बहुत सिंपल चीज। ठीक, बात करते हैं जी स्थानीय मान का। ठीक है, स्थानीय मान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक, प्लेस वैल्यू क्या होता है कि भाई वो जहां पहुंच जाएगा उसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कोई भी ले लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये वाला नंबर। बढ़ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का पूछा है, तो करना क्या है, 4 यहाँ पर है, ठीक है, इसके बाद 2 नंबर है ना, तो आपको उतने 0 लगा देने हैं, कोई भी एक संख्या लेना है। ठीक है, जैसे मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज करो 7 8 9 4 5 2 1, अब उसने बोल देता भाई मुझे 9 का, ठीक है, 9 का क्या बनाना है, प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, 90,000 तो कितना जाएगा भाई, 9 रखना है, एक तो 9 रख दो, और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं या कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, फोर तो टोटल 4 0 रख दो, ये आपका मिल जाएगा क्या है, प्लेस वैल्यू। बात क्लियर? ठीक, जी जैसे इस क्वेश्चन का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका 600। ठीक है, जी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30,000 ठीक है, इसका स्थानीय मान 40,000 4,000। भाई 4,000 कहाँ से आ जाएगा भाई, 4 यहाँ पर है, तो चार कौन हजार बोला, तुम ही ना बोले 40,000। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अब दशमलव वाला आ गया, इसमें क्या होगा, पॉइंट जीरो 0.0 70 70 नहीं हो पॉइंट जाएगा, जीरो 0.07 सेवन सेवन बोल दो, जीरो या फिर उसको 7/100 बोल दो। ठीक है, आप उसको जी 7/100 बोल दो या फिर 0.07 बोल दो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जी 9/1000 हाँ, चाहो तो आप 0.009 बोल दो या फिर 9/1000, 9/1000 बोल दो। ठीक है, क्लियर है? नौ वन बाई थाउजेंड 10,000 क्या दो आएगा, हजार ठीक है, वन एक बटे लिखा दो है, ठीक हजार है, कितने हैं, 3 है, तो टोटल 3 0 लगा दो और उसके बाद 10 में लगा दो, तो या फिर इसको आप क्या लिखते हो, 1/, टोटल कितने, अगर ऐसे लिखना है तो आपको टोटल 4 0 लगाना पड़ेगा, तो 4 है, तो आपको 4 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जी अब ये वाला क्वेश्चन क्या पढ़ो,
पांच का स्थानीय मत 5 और 4 का स्थानीय मत 4, चार हजार जाति मत नौ सौ छियानबे क्या आएगा? अंतर बता नहीं। हाँ 4,900, हाँ 96 बिल्कुल छियानबे भाई। यहाँ पे अगर जी स्थानीय मान से आप बोले, स्थानीय मान आ जाएगा 5,000, और चार का जाति जी मान तो चार ही रहेगा, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4,900 छियानबे। 996 96 ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक। जी जी अच्छा ऐसा करते हैं, मैं दूसरा लिंक क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। जी